Welcome back guys to another video where we try something nice, something wonderful. And what are we tasting today, Kaustik? So in the previous video we tried India's best whiskies. और आज की वीडियो हम लोग क्या करने वाले हैं? We are going to try India's best wine. Ooh la la. एकदम समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं आगे. Wow, surprising की स्मेल के नाम पे इसमें कुछ नहीं आ रहा है ब्रो. चढ़ गई क्या हम लोग? नहीं नहीं नहीं. डूड फर्स्ट टाइम मैंने हैड वाइन, ठीक है, पहले मुझे लगता था कि यार मैंने थोड़ा सा से पिया, ठीक है, यू डोंट मिक्स एनीथिंग विद इट, तो मैंने थोड़ा सा से ट्राई किया, मैंने कहा यार इसमें तो बिल्कुल दारू जैसा कुछ लग ही नहीं रहा है, इट्स नॉट स्ट्रॉन्ग एट ऑल, ठीक है, खट्टा खट्टा सा लग रहा है, इट्स लाइक कि ग्रेप जूस पी रहा हूँ मैं, ठीक है, जिसमें कुछ स्वीटनर ऐड नहीं किया. मैंने ये तो मैं ऐसे ही पी जाऊंगा ब्रो, इसमें तो कुछ नशे होंगे ही नहीं. मैं एक ग्लास पी गया, मैं दो ग्लास पी गया, मैं ऐसे कर करके छह ग्लास पी गया. मैं भाई छह ग्लास के बाद जो बजा and his private time started since then. No, private time just me and the commode. तो पहला वाइन लाया जाए, लाया जाए प्लीज. ये है हमारा पहला रेड वाइन. अच्छा तुम्हें रेड वाइन पसंद है कि व्हाइट वाइन पसंद है? मेरे को रेड वाइन ज्यादा पसंद है और वो हेल्दी भी ज्यादा रहती है. मुझे भी रेड वाइन पसंद है. हैंड पिक ग्रेप फ्रॉम अ स्टेट वाइनयार्ड्स रसा शिराज एज्ड फॉर 12 मंथ्स. एक साल पुरानी है ये. लेकिन ये 2017 की है तो सॉरी ये 4 साल पुरानी हो गई है. बट हां लेट्स स्टार्ट पोरिंग. बहुत हो गई. ऊपर से ऐसे उड़ते हुए वाइन की स्मेल यहाँ तक आ रही है. इतना ही रखते हैं क्योंकि अमीर लोग को देखा नहीं है. हाँ 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 मैंने देखा है. ताकि तुम इसको ऐसे घुमा सको, ट्वर्ल कर सको. फ्रेशनेस ऑफ द ग्रेप्स जिसके ऊपर लोगों ने पैरों से कुचला था उन्हें. ड्रिंक इज एग्जैक्टली ब्लैक बट देन द आउटलाइंस आर ऑल रेड. सच अ रॉयल लाइक प्रीमियम फील ब्रो. द वे इट लुक्स. लेट्स डू इट ब्रो. चीयर्स. चीयर्स. अच्छा एवरीथिंग इज प्रीमियम अबाउट वाइन. द कलर, द टेस्ट. यार टेस्ट सही बताए इसका आफ्टर टेस्ट इतना मुझे पर्सनली बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं लगा. अब फिर से पीऊंगा तब वो वापस से टेस्ट आएगा. कुछ जो जितना मुझे पता है वाइन का टेस्ट थोड़े लंबे समय तक रहा. जितनी अच्छी वाइन होती है उसका टेस्ट उतना आफ्टर टेस्ट रहता है. एग्जैक्टली. गुड वाइन की पहचान यही है कि उसका आफ्टर टेस्ट जितना लंबा रहेगा अच्छा रहेगा तो हाँ दैट्स अ गुड वाइन. इसके लेग्स देखें. लेग्स देखते हैं. अगर इसकी लेग्स बहुत ज्यादा आ रही है तो इट्स अ प्रीमियम वाइन. बट इसमें आ रही है लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं आ रही. सो आई डोंट थिंक सो वी वुड रेट दिस इंडियाज बेस्ट. आई डोंट थिंक इसको हम इंडियाज बेस्ट विस्की बोलो. इसको चढ़ गई क्या हम लोग? नहीं नहीं नहीं. 1200-1300 के. 1200-1300. हाँ ठीक है लेट्स से 1200. मुझे 1200 लग रही है आई थिंक. हाँ कितने की है ये? 1200. ओह माय गॉड. लॉर्ड बॉबी सॉरी लॉर्ड कॉसी. Lord Kosi in the house. Do you want to have white wine? White wine? Oh yeah, why white not? Wine, please. Why not? One white wine, please. Please go ahead. Get us some white wine. All right. Looks great. Can't wait to try this. आज ये दारू हमारे बीच में सुला करा के मानेगी. पहले ऐसे क्योंकि यही है स्टाइल, यही है फॉर्मेट. All right. एकदम डिफरेंट अरोमा. मुझे थोड़ी स्विट्जरलैंड वाली वाइब्स आ रही है. ओह ला ला इट्स अ किक. वाओ ब्रो मारा ये तो मतलब मैं बचपन में भी पी सकता था. वाह हाँ यार ब्रो इसका टेस्ट मुझे एप्पी फिज से फैमिलियर लग रहा है थोड़ा. बस बहुत थोड़ा है क्योंकि थोड़ा है. पिछली बार वाला जो रेड वाइन पी थी वो काफी मतलब ज्यादा खट्टा था जिससे जिसकी वजह से उसे हम स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं. ये इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है क्योंकि इसमें खट्टा कम है, इसमें मीठा ज्यादा और ये अपने में ही अलग टेस्ट है. इसकी बॉटल ज्यादा मतलब एग्जैक्टली फैंसी नहीं बट बेटर देन द लास्ट वन लग रही है. बट टेस्ट वाइज ऑफ कोर्स या यू आर राइट वो वाली ज्यादा प्रीमियम थी. आई वुड से 800-900 अराउंड 800 एक्चुअली. या आई वुड आल्सो लाइक टू गिव इट द सेम रेट. 900 लेट्स गो विद 900. ये वाइन है 750 रुपए की. नॉट बैड ब्रो. हैट्स ऑफ. इफ आई हैड अ हैट आई वुड हैव टेकन इट. नो नो इट्स बिकॉज़ ऑफ यू दैट आई एम एबल टू फोकस. वेल कैन वी हैव अ रोज़े वाइन प्लीज. थैंक यू सो मच.
रोज़े वाइन इज़ दैट वाइट वाइन जो कभी रेड वाइन बन नहीं पाई, बीच में ही रुक गई. डू यू वांट मी टू पोर इट फॉर यू? ओह या, प्लीज़ गो अहेड. ओके, लेट्स ट्विर्ल एंड फाइंड आउट. It's as similar as the previous one, I guess. Yeah, it's very similar to the last one. That's true. Different नहीं है. अभी हमें हल्का हल्का buzz आ रहा थोड़ा बहुत. आ रहा है? हाँ, actually. हमारी पार्टी में अगर कोई ऐसे वाइन लेके आ जाए तो हम लोग सबसे पहले तो वही ब्लैक पैंथर की तरह बोलेंगे, नो वी डोंट डू दैट हियर. वी डोंट डू दैट हियर. वी डोंट डू दैट हियर. कनिश के साथ तुम वाइन पीना चाहोगे? कनिश कैसा हो जाएगा? अरे वो कनिश ऐसा कहेगा, ये तो बड़ी सही है. अब पीकर है पूरी कट, पूरी लपेट ले, कोई दिक्कत नहीं. अरे लपेट ले यार, अपने पास पूरी पूरी बोतल है. क्यों भाई? Okay, let's go ahead and chuck it. I mean, not chuck it, but let's just taste it. Yes. इसका टेस्ट भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ऐसे डिफरेंट नहीं लग रहा है मेरे को ऑलमोस्ट सिमिलर लग रहा है. रेड वाइन का थोड़ा सा माइल्ड वर्जन. बट इसका आफ्टर टेस्ट थोड़ी ज़्यादा टाइम तक लास्ट कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है. वाह, आई थिंक अब तक जितने भी मैंने दारू के वीडियो किए होंगे ना, जितने भी मैंने दारू के वीडियो किए उसमें मैं तुरंत भंड हो जाता हूँ, और भंड होके आई बिकम वेरी डिफरेंट पर्सन. इसमें आई एम भंड, बट आई एम स्टिल द सेम. इज राइट. बेसिकली हम लोग इसमें भंड नहीं होते, बट वी जस्ट बिकम अ वेरी नाइसर वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स. हाँ. इसका प्राइस 1800 होगा. कैसे बोल ले रहा है यार ये बंदा, ये सब कैसे गेस कर पा रहे हैं? नीचे लिखा हुआ है क्या कहीं पे? नहीं 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 यार, देखो मेरे को फिगर्स आ जाते हैं. मेरे ख्याल से ये 1100-1200 की होगी. मैंने 1100 बोला है, इसने 1800 बोला है. चलो कौन सा हम लोग का एक फाइनल करना है बता दो. इस वाइन का प्राइस है 1150. रोहित वन दिस टाइम. 1150 के हिसाब से तो दिस इज अ स्टील. यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट बिकॉज इट लुक्स एंड टेस्ट्स प्रीमियम एज वेल. एक्सक्यूज मी गुड सर, कैन वी हैव सम स्पार्कलिंग वाइन प्लीज? Just look at this bottle. इसको देख के लग रहा है तो न्यूयॉर्क पे ही होनी चाहिए. जेकब्स क्रीक भी होनी चाहिए थी मेरे ख्याल से यार. जेकब्स क्रीक इसलिए नहीं क्योंकि वो ऑस्ट्रेलियन और न्यूजीलैंड वाइन है. ओह, एंड दीस आर ऑल इंडियन वाइंस. तो वी आर डूइंग द इंडियास बेस्ट वाइन. ब्रो ब्रो ब्रो, ये तो एकदम शैंपेन लग रही है. ये प्रॉपर शैंपेन है डूड. ये उन लोगों के लिए है जिनको शैंपेन चाहिए बट शैंपेन अवेलेबल नहीं है, और चलो वाइन से काम. और जिन्हें शायद शैंपेन का टेस्ट पसंद नहीं है एंड दे जस्ट वांट टू हैव वाइन बट आल्सो हैव द फीलिंग ऑफ ओपनिंग अप अ शैंपेन बॉटल, लेट्स गो अहेड विद दिस. वाओ, इट्स सरप्राइजिंग कि स्मेल के नाम पे इसमें कुछ नहीं आ रहा है ब्रो. नहीं, स्मेल तो आ रहा है, बहुत कम आ रहा है एज कम्पेयर टू द अदर थ्री. हाँ, बहुत कम नहीं आ रहा. कम आ रहा है. इसको अभी मैंने टेस्ट किया, तुमने भी टेस्ट किया, ये काफ़ी फिजी है. इट्स वेरी फिजी. इट्स एज सिमिलर एज द रेस्ट ऑफ द वाइन्स दैट वी टेस्टेड रिसेंटली. नहीं ब्रो, आई मीन इट्स नॉट रजिस्टरिंग इन माई पैलेट एज वाइन. मतलब ये एक फिजी ड्रिंक की तरह रजिस्टर हो रहा है. मतलब वाइन वाली वो फीलिंग नहीं आ रही है. एक आफ्टर टेस्ट जरूर आ रहा है वाइन का, बट पीते हुए वो वाली फील नहीं आ रही. सॉरी. अगर कोई वाइन पी के आपको अगर डकार आ रही है तो इट्स दिस वाइन. अब पता नहीं क्यों इसको मैं इंजॉय कर रहा हूँ. ऐसा लग रहा है कोल्ड ड्रिंक भी पी रहा हूँ, जूस भी पी रहा हूँ. नहीं, कोल्ड ड्रिंक भी पी रहा हूँ, जूस भी पी रहा हूँ. हाँ, और दारू भी है. हाँ, इसमें दिस इज लाइक एन अमैल्गमेशन ऑफ एवरीथिंग टुगेदर. 900. ये एक्चुअली बाकी तीनों में से वाइन वाइज अगर रेट किया जाए तो चारों में से ये दिस इज द वर्स्ट. मेरे को आ जाता भाई. 900 इट इज देन. आई कांट से एनीथिंग अगेंस्ट गुरु. बता रहे हैं, सही बता रहे होंगे. सही है. 900 एग्जैक्टली. सर मेरी सैलरी कितनी होगी, आप प्लीज मेरा मोल लगाइए. बेटा तुम वाइन टेस्टिंग बहुत अच्छी कर रहे हो. वाइन टेस्टर की सैलरी पता कितनी होती है? 1,00,000 रुपए मिनिमम. क्या? महीने का. एक से 1.5 लाख रुपए कमाते हैं वाइन टेस्टर्स महीने का, सिर्फ टेस्ट करने के लिए, जो हम कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के. और हम भी वही कर रहे हैं, हम आपसे पैसे नहीं मांग रहे हैं. हम कह रहे हैं कि 1 से 1.5 लाख एक हफ्ते के अंदर लाइक्स आ जाने चाहिए. ओके टेस्टेड की पहली वाइन वीडियो हो रही है गाइज, गेट अस 2 मिलियन व्यूज एंड वी विल डू अनदर वाइन वीडियो फॉर यू एंड वी प्रोमिस यू दैट विल डेफिनेटली बी डिफरेंट एंड समथिंग एल्स. इसका प्राइस जस्टिफाइड था. बिल्कुल जस्टिफाइड था. जितने भी थे यहाँ पे वाइन सबका जस्टिफाइड था. इसका हम लोग एक्चुअली सबसे कम ही रेट कर रहे थे एंड दिस वॉज फॉर 900, राइट? यस.
तो बिल्कुल जस्टिफाइड था। आई गेस मैं अगली बार खर्च कर दूंगा यार, मतलब मैं इतना तो कर सकते हो गाइस, कम ऑन यार। मुझे भी लगा नहीं था एक्चुअली कि द बेस्ट रेटेड वाइन्स इन इंडिया वुड बी दैट चीप एज कम्पेयर टू व्हाट वी हैड इन आवर हेड। तो सही है, सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि ये मजा हम आपको दें, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप मजा बांटे। सो प्लीज टेल योर फ्रेंड्स टू सब्सक्राइब दिस चैनल ओके टेस्टर। एंड या ऑल्सो ऐप दैट वी हैव विच इज अवेलेबल बोथ ऑन ऐप स्टोर एंड प्ले स्टोर विच इज नोन फॉर इट्स एक्सक्लूसिव कॉन्टेंट ओनली फॉर इट्स ऐप यूजर्स विच इज अपलोडेड स्पेशली वन डे बिफोर फॉर इट्स यूजर्स। गो डाउनलोड द ऐप राइट नाउ, ट्रस्ट मी, थोड़े से MB का ऐप है, यू वुड नॉट रिग्रेट डाउनलोडिंग दिस ऐप। सो हेल्प अस ग्रो एंड कीप वॉचिंग ओके टेस्टेड। यस, वाइन पी के बिल्कुल भंड नहीं होते, वाइन पी के बिल्कुल एग्जिबिट ए एग्जिबिट बी या